सभी का हमारे चैनल में। मैं खुशी एरर हाजिर हूँ आप सभी के सामने बुंदेलखंड की कुछ अहम खबरों के साथ। अब खबर झांसी से, जहां झांसी के नोडल अधिकारी संजय एम तरडे ने मऊरानीपुर कोतवाली पहुंचकर वहां का निरीक्षण किया। वह वहां पर आकस्मिक ही पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने वहां के हवालात कार्यालय और कोतवाली परिसर का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान इन्होंने अपराधियों का चिन्हीकरण, टॉप 10 अपराधी, माफिया हिस्ट्री शीटर आदि से संबंधित कार्यवाही की जानकारी ली। नोडल अफसर्स की व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी कि हम नोडल जिले में जाएं और कुछ बिंदुओं पे हमें समीक्षा करें। समीक्षा काम तो सब एसपी साहब और जिले के अधिकारियों को करना है, डीएम साहब को करना है, इनको करना है। मेरा काम जो 11 बिंदु हैं उसके संबंध में समीक्षा करना है, जिसमें महत्वपूर्ण कुछ बिंदु थे जिसमें जनपद में और थाना लेवल पे टॉप 10 अपराधियों की सूची क्या है, उसके संबंध में क्या कार्रवाई हो रही है। इसको जब हमने यहाँ इस थाने का एक शहरी क्षेत्र का हमने सीओ सिटी कोतवाली क्षेत्र का देखा, आज हम मऊरानीपुर आए। इस तरफ आना हो नहीं पाता था, इसलिए हमने कप्तान साहब से अनुरोध किया कि चलते जरा मऊरानीपुर वगैरह साइड पर भी देखते हैं, उसी बहाने आप लोगों से मुलाकात हो जाए। तो हमने जब देखा तो इसका एक अच्छा प्रभाव हमारे शासन का काम का एक अच्छा प्रभाव ये हुआ कि आज टॉप 10 के 2 अपराधी इन्होंने गिरफ्तार किए, जिनके डिटेल्स ये लोग देंगे आपको। नाम है पप्पू यादव और दूसरे का नाम है छोटे उर्फ प्रेमनाथ। तो जिसकी समीक्षा के टॉप 10 के संबंध में हम आए थे, उसमें इस थाने ने जो टॉप 10 के 2 अपराधी थे उसके संबंध में गिरफ्तारी कर ली। अच्छा काम। अन्य जो टॉप 10 के अपराधी और उसका अपराधियों पे किस प्रकार का असर होता है, इसी प्रकार से माफियाओं के संबंध में चिन्हांकन की कार्रवाई, इसके संबंध में मैंने कुछ निर्देश, दिशा निर्देश जो सुधारात्मक हैं वो उनको नोट करा दिए हैं। एसएसपी साहब और एसपीआरए साहब यहाँ पे हैं, संबंधित लोगों को हमने बातें बता दी है किस प्रकार से उस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करनी है। इस संबंध में हमने अपने विचार और अपनी समीक्षा उनको बताई। इसके अतिरिक्त सक्रिय अपराधियों की सूची भी हमने इसका समीक्षा की, उसमें क्या क्या अपेक्षित हैं जिसके तहत कार्य अच्छा हो और अपराधियों पे शिकंजा कसे, और जो शासन की मंशा है कि अच्छा सुव्यवस्था देने के संबंध में और अपराध के संबंध में एक नियंत्रण के संबंध में, उसके संबंध में हमने कुछ निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त गैंगस्टर एक्ट के तहत भी जब्त की गई संपत्ति की समीक्षा की जानी है, तो उसके लिए भी हमने जो गैंगस्टर एक्ट के केसेस हैं उसके संबंध में कुछ जब्ती की कार्रवाई जिसमें आवश्यक है उसमें कराए जाने के संबंध में निर्देश दिए। इसी तरह से महिलाओं के विरुद्ध अपराध जो हो रहे हैं उसकी समीक्षा की जानी है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी न रहे और जो भी इसमें अपराधी आए उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इसके अतिरिक्त थाना स्तर पे जो कर्मचारी लगे इनकी भी नियमानुसार पोस्टिंग है कि नहीं है, कहीं रिपोस्टिंग तो नहीं है, जिसके कारण अपराध की स्थिति को समस्या खड़ी हो, इस प्रकार की स्थिति तो नहीं है, इसकी भी समीक्षा किया जाना था। इसके संबंध में अभी हमने एसएसपी साहब को और एसपीआरए साहब को बताया, वो अभी एक रिपोर्ट बना रहे, उस रिपोर्ट के आधार पर समीक्षा और टिप्पणी की जाए। COVID-19 के संबंध में कंटेनमेंट जोन्स के संबंध में क्या क्या आवश्यकताएँ बरतनी है, कंटेनमेंट जोन चूँकि ये महामारी है इसको कंटेनमेंट जोन में कंटेन करना है तभी इसका फैलाव कम होगा। आपके क्षेत्र में मैंने देखा बहुत ज़्यादा फैलाव नहीं है, तो ऐसे परिस्थिति में फिर भी हमने निर्देश दिए हैं कि
किस प्रकार से कंटेनमेंट जोन के संबंध में कार्रवाई की। जनपद में आप लोगों के माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे लोगों को भी कि हर व्यक्ति मास्क धारण करे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे और रात्रि कर्फ्यू, दोपहिया वाहनों की सवारी को प्रतिबंधित करना, इस प्रकार की समस्त आवश्यक निर्देश का कड़ाई से अनुरोध। इस संबंध में हमने मीटिंग करी और इस संबंध में जो आवश्यक कार्रवाइयाँ हैं और जहाँ किसी प्रकार की कार्रवाई में और बेहतर बनाने की आवश्यकता हो उसको बेहतर बनाने की।